अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखें गुलाबों की, दोनों गुलाब छोटे पॉट में थे, उनकी रिपोर्टिंग कर दी है। इसमें बर्ड्स बन रही हैं और ये दूसरी वो खिल चुका है, लेकिन बारिश हुई है तो उसकी वजह से ये बड़ा इसको पॉट दे दिया है। इस पॉट में था, इतने छोटे पॉट में ये ट्रूनिया के सब बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिए हैं। इनके इस तरह से जो अभी खिले नहीं हैं या जो खिल गए हैं उनको फिर यहाँ से ही पिंचिंग इस तरह से, बाकी तो मैंने कर दी है तो इसलिए ये भी अब नई नई बर्ड्स आ रही हैं। ये कोली इसकी काट के और इसके नीचे मैंने लगाई थी वो भी लग गई है। ये मेन है और ये वाली ये काट के लगाई तो बारिश की वजह से। लैंटाना का पौधा है सब में, ये इसमें सिल्वरी के सारे फूल ख़त्म हो गए एकदम, जो खिले थे सीड नहीं बनता इसमें। ये इनके सीड बन रहे हैं सारे, कुछ तो मैं लगा चुकी हूँ इनके सीडों को, हर साल लगाती हूँ। यहीं इसी में दबा के देखिए जैसे ये आ रहे हैं ना इस तरह। ये पोटैटो वाइन इसकी पिंचिंग कर दी थी तो यहाँ से ये नई नई शूट। इस ज़माने में ये सारे प्रोटोकोलर 9 o'clock ये सब दोबारा से ग्रोथ। ये दूसरा गुलाब का है, इसको शिफ्ट किया है इसने। मोतिया को सब में से नई शूट निकल रही है, नए नए फ्लावर। पूरे इसकी रिपोर्टिंग की सारी जड़ें जो थी इसकी पुरानी वो काट के दोबारा से दूसरा चेंज किया है और कंपोज वगैरह सबका सब दी है। ये पुराना टाइगर रोज ऊपर था तो ऊपर से ये नीचे आया है, तो इसमें चार खिले हैं, ये कलियां बन रही हैं। यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर दी थी, बहुत ही पुराना है, बहुत बड़ा। अभी नीचे से इसका सकर निकल रहा है, इसको काटना है। ये जंगली गुलाब का होता है, ये इसको काटेंगे वरना फिर ये वही वैसे ही गुलाब हो जाएगा जैसे ये नॉर्मल है। इसके यहाँ से उन्होंने किया हुआ है इसको ग्राफ्ट के लिए। ये बेबी सन रोज की दोबारा से पूरी इसको ट्रे में, सीडलिंग ट्रे में फैला दिया। रोज़ाना चिड़ियाँ आकर इसमें से खाती हैं, इतनी भारी भारी। ये भी इसी सीज़न में सब लगने वाले हैं। इनकी कटिंग आप यहाँ से यूँ पिंच करें लीव्स को ख़त्म,
करके और लगा दें, फौरन लग जाती है। ये बारिश की वजह से एक तो ड्रम में पोटैटो जो थे वो ख़त्म हो गए, इसको यहाँ पे शेड के नीचे रखा है, जेट प्लांट को भी, और ये इसमें अदरक लगी हुई है, इसे भी बिल्कुल शेड में कर दिया ताकि ये वो बारिश की वजह से ख़त्म ना हो जाए। इसमें गार्लिक लगा हुआ है दो जगह। ये आ रहे हैं किस किस्म के टमाटर हैं जो बहुत सारे आते, लेकिन मौसम की वजह से तीन छः इसके प्लांट थे वो बाकी में एक ही बचा है। ये मॉर्निंग ग्लोरी, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं और सारे सीड लगाए थे, अब दोबारा ये आ रहे हैं। इसमें खाद बन रही है, ग्रो बैग में सारे लीव्स पुराने और ये बनी हुई है, और सिला के फिर इसके अंदर डाली ऊपर। ये टमाटर के वो मटर के हैं फ्लावर, बारिश की वजह से बहुत कुछ ख़राब हुआ है। ये कटिंगें लगाई हुई हैं, ये दोबारा पीस ले ली का इतना बड़ा। इसी तरह से ये प्लांट, ये भी इतना बड़ा हो गया, एक ही इसमें लगा हुआ है बड़े से रेड लीफ एलिडोडॉन। इतना मतलब दो हाथ के बराबर है इसमें सारे के सारे प्लांट, ये बारिश की वजह से उल्टे किए हुए हैं। ये भी मॉर्निंग ग्लोरी सब सीड से लगी हुई है, एग्लोनीमा इनके लीव्स चढ़ गए अब ये इनकी ग्रोथ का। ये सब कटिंग से लगने वाले प्लांट, इस सीज़न में सबकी कटिंग चलेगी। ये मनी प्लांट का बाहर दोबारा लेकर आ गए अब इनकी ग्रोथ। थैंक यू, वीडियो पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।